चौधरी, आज मैं बताने वाला हूँ कि आज मैं जो वेल्डिंग कर रहा हूँ, वेल्डिंग करने से कितना ज़्यादा नुकसान है। जी हाँ, आप समझते थे मैं डेली आपको बताता था ये वेल्डिंग के कारोबार से कितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से वेल्डिंग का कारोबार करते हैं, किस तरह से ग्रिल गेट, चेन सेटर, क्लचेबल गेट लगाते हैं, वो मैं बताता था। पर आज और भी बताने वाला हूँ उसके बाद। जी हाँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, उससे तो फायदा होता ही था, उसके बाद उसका कुछ नुकसान तो जान लीजिए कि ये भाई को नुकसान तो सहकर आज यहाँ आया। जब मैं 6 महीने के दौरान जब ये काम करता था तो फिर मेरे आँखों में कुछ तकलीफ आया, तो मैं सोचा कि चलो दिखाता हूँ क्या बात है। तो मेरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे आँखों के, तो जब मैंने आँखों को जाकर दिखाया तब उन्होंने बताया कि आपके आँखों का 50% रोशनी चली गई है, जिस कारण से आपको धुंधलापन दिख रहा है और आपको इसके कारण से ही माइग्रेन पेन हो रहा है। तो मैंने इसको पता लगा कि क्यों मेरे ब्रेन में माथा में क्यों दर्द हो रहा है। तो मैंने पता चला कि ये पेन मुझे हो रहा है, ये इसके कारण हो रहा है, जो मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ तो इससे मेरा आँख डैमेज हो रहा है। जी हाँ, मैं चश्मा तो लेता ही था, ब्लैक चश्मा लेता था, कवर लेता था, फेस पर मास्क लेता था, फिर भी हो गया ऐसा। जी ये हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपकी आँखों में कुछ नहीं हो रहा है, आप सोचते हैं कि मेरी आँखों में कोई कीमत नहीं, मैं दाव पे लगा दूंगा, मैं बहुत रुपया कमा रहा हूँ, 15-20 हज़ार या फिर इन पर हूँ तो 8-10 हज़ार कमाते हो, कितना कमाते हो, नए हो तो सतर्क हो जाओ, पुराने हो तो समझ जाओ भाई। यदि आपको लगता है कि आपकी आँखों का कोई कीमत नहीं, तो मैं अभी आपको 50 लाख रुपये देता हूँ, जस्ट अभी अभी के अभी आप अपनी आँखों को दान कर सकते हैं, मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। मेरे आँख खराब हो गए क्या, आप दे सकते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि क्यों मैं आज ऐसा बोल रहा हूँ, वो भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों उस लाइन से आज हट रहा हूँ। मेरा आज मार्केट में इतना अच्छा बेस हो गया, इतना अच्छा सब्सक्राइबर हो गया, इतना मैं यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, इतना ज़्यादा आज मैं प्लेस बना ली, इतना ज़्यादा लोग जानते हैं मुझे, क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, क्या कारण है उसके पीछे, जान लो भाई। जी हाँ, आपको नुकसान होने से मैं रोक रहा हूँ, इस वीडियो की स्किप कीजिए तो आपका जिंदगी स्किप होने वाला है, आज इस वीडियो को पूरा देख लो। तो फिर उसके बाद जो ये जिंक का धुआं, ये हम लोग जो काम करते हैं जिंक एलोए एल्यूमिनियम, इसका मतलब जो हम लोग काम करते हैं जी एन जिंक गैल्वेनाइज्ड, ये मिलकर जिंक फ्यूम फेवर इसको बोलते हैं इस गैस को, तो ये बहुत रकम का गैस इसमें से उत्पन्न होता है, O3 उत्पन्न होता है। जी हाँ, O3CO+NO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इसमें जिंक, फिर क्रोनिक एसिड, बहुत सारे तरह के ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं, जो कि मैं एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, देखने की चेष्टा कीजिए, समझने की चेष्टा कीजिए। जी हाँ, आपको समझ नहीं होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मैं आपको रेयर केस के बारे में बता रहा हूँ, जो कि होता है ये जो गैस आपके शरीर में जा रही है, ये जो दो साइड है, ये पंजीरी जिसको बोलते हैं, पंजीरी हिंदी शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में पंजीरी बोलते हैं इसको, ये आपका डैमेज हो जाता है। जब 10 सिगरेट के बराबर एक उसके स्पार्क होता है, जब एक स्पार्क होता है तो 10 सिगरेट के बराबर जो धुआं निकलता है ना, उससे भी ज़्यादा ये धुआं जाकर यहाँ बैठता है, जिससे कि कफ जमता है। जी हाँ, क्रोनिक एसिड, क्रोनिक कफ, बहुत रकम का कफ जमता है, जिससे कि प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ये जो धुआं जाता है, ये यहाँ पर फेफड़ा होता है, ये फेफड़ा देखिए कुछ एनिमेशन के जरिए मैं दिखा रहा हूँ, ये फेफड़ा के माध्यम से जब ये आपके अंदर प्रवेश करता है तो फिर आपको नुकसान पहुँचाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके क्या करता है कि आपको जो इम्यूनिटी सेल है वो नष्ट कर देता है। आपको कभी कोई थकावट महसूस होती है, फिर देखते हैं बहुत जो खांसी आ गई तब आप हॉस्पिटल जाते हैं, तब आप देखते हैं फोटो कराने के बाद कि आपका ये दो साइड चला गया। लंग कैंसर, लंग फाइब्रोसिस, बहुत रकम का नामी बीमारी, बहुत रकम का पार्किंसन भी हो जाता है, माइग्रेन बहुत भर के बीमारी होता है। फिर उसके बाद जब आप ये काम करते हैं तो फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपको RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस सेल को जाकर नष्ट कर देता है। जो हमारा ब्लड जो रक्त देखते हैं रेड कलर का होता है उसको नष्ट करता है, आस्ते आस्ते डस्ट के माध्यम से जमते जमते ये जो साइड है वो जमकर नष्ट हो जाता है। देखिए सब टोटल मैं आपके एनिमेशन के जरिए अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, अभी बाद में लेट हो जाएगी, आप फ्यूचर के लिए कुछ किए कि नहीं सोच लीजिए। जी आज मैं उस कार्बन को छोड़कर क्यों इस कार्बन कर रहा हूँ, इस कार्बन में 10x अर्निंग है, जो मैं 15,000 वहाँ कमाता था यहाँ उससे 10 गुना ज़्यादा कमाता हूँ। वो भी क्या, ये काम घर बैठे है, देखिए मैं अभी घर बैठे काम कर रहा हूँ, क्यों एक रूम ले लिया हूँ, बैठ कर काम करता हूँ, क्या काम है क्या जानना है आपको, कैसे कर रहा हूँ मैं, आप क्या करने में इंटरेस्टेड है तो दिए गए नीचे नंबर में कॉल कीजिए मुझे, अभी क्या अभी जानिए क्यों मैं अपने इस कारोबार को मैं दूसरे कारोबार में परिवर्तन करती हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, उसको जानने का बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। आप भी अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए, आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी मुझे कुछ नहीं हो रहे, पर काम करते जा रहे 15-20 हज़ार का महीना कमा रहे, पर आगे जाकर जो होने वाला वो आपको अभी भी नहीं पता है, बहुत पछताएंगे, तब तक तो देर हो गई होगी। इस वीडियो की स्किप ना कर दे, स्किप ना करिए इस वीडियो, बार बार उठा कर जिंदगी से आपको नहीं पता, आप हाथ धो बैठेंगे, ऐसा समय आएगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी समय है समझ जाओ। चॉकलेट अभी लेटेस्ट तरीका से बना रहे पार्ले जी लॉक पे, एक बार में बड़ा लॉकपेट बना दे, एक बार में 16-17 फीट का लॉकपेट है, देखिए 17 फीट का लॉकपेट है, एक बार में देखिए, वो देखिए कितना लंबा है, 17 फीट का है।
देखिए लॉक प्लेट में आगे एंगल में हम छेदा कर लेते हैं जैसे कि बताएं, 25-5 में भी आगे छेदा कर लेते हैं जैसे कि बताएं, पर इस बार ऊपर से दे रहे हैं और सेम नीचे से कर देंगे, उलट देंगे, ऊपर से देने से दिखेगा और नीचे कर देंगे तो नहीं दिखेगा, इसीलिए ऊपर करके दिखा रहे हैं, देख ले रहे हैं कहाँ कहाँ छेदा होता है, उसके बाद ऊपर ये पट्टी को लगा देंगे, हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से लगाएंगे फिर ऊपर पर ए ग्रेड का स्क्रू है, देखिए टाटा TS टाटा स्क्रू, ए ग्रेड का स्क्रू से काम हो रहा है, देख रहे हैं कस्टमर का लक कितना अच्छा यार, जब जब देखते हैं ना तब तक तो मनवा उदास हो जा रहा है। बात है कि अब रखा गया तो दाम बढ़ा हुआ, अभी खरीदा गया बढ़ती दाम में, लॉक प्लेट इसी में सटा हुआ है, देखिए यहाँ से कट जाएगा। कितना फीट का लॉक प्लेट है जी? 1 ठो 10 9 फीट 4 इंची यानी 10 फीट में 4 इंची कम का लॉक प्लेट है। अभी देखिए प्रोफाइल निकाल लिए, एकदम बड़ा 10 फीट वाला है, 10 फीट में 4 इंची कम, 9 फीट 6 इंची 8 इंची का ये प्रोफाइल, और में काट के लगाएंगे। देखिए उतना गैप ठीक है, इतना गैप रख के मारेंगे, देखिए 1 नंबर है पूरा।